प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। ठीक है, मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं। पिछले हफ्ते हमने इसका आरंभ किया था, वहां हम पढ़ते हैं उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। पिछले हफ्ते मैंने यह बात याद दिलाई थी, आज से 2000 साल पहले इस सारे विश्व के सृष्टा प्रभु यीशु ने मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में अवतार लिया या जन्म लिया। किस लिए जन्म लिया? जिससे कि आपको और मुझे एक नया जीवन दे सकें। सवाल यह है कि जब अपन जिंदा हैं, जब हमने जन्म लिया तब जिंदा थे, इसलिए तो खा पी के इस उम्र तक पहुंच गए हैं। जब जिंदा हैं तो एक नए जीवन की क्या जरूरत है? प्रभु का वचन क्या कहता है ये जरा देखें। पहला पद, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। वचन शब्द, उसको किस तरह से आप आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आंखों से कैसे देख सकते हैं, हाथ से कैसे छू सकते हैं? इसका मतलब है कि यहां पर प्रभु का वचन एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। उस व्यक्ति को जीवन का वचन कहा गया है। वो कौन व्यक्ति है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, जिनको हिंदी में अपन ईसा भी बोलते हैं, एक ही बात है। एक्चुअली उर्दू में ईसा या ईसा मसीह जिनको बोला जाता है, हिंदी में अपन यीशु मसीह बोलते हैं। दोनों एक ही चीज, एक ही व्यक्ति है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा, ये प्रभु यीशु के बारे में है या ईसा मसीह के बारे में है? किसने लिखा ये? किसने लिखा? प्रभु के 12 खास चेले थे। प्रभु ने 30 साल की उम्र में सेवा कार्य का आरंभ किया, और जब सेवा कार्य आरंभ किया तो प्रभु जो शिक्षाएं दे रहे हैं और जो देना चाहते हैं, इन शिक्षाओं को सारे संसार में लोगों के पास पहुंचाने के लिए 12 लोगों को चुना, जिसमें से एक के बारे में पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि प्रभु ने चुना, लेकिन प्रभु के द्वारा चुना गया हूँ यह जान, इस बात को समझकर प्रभु के प्रति आभार प्रदर्शन के बदले वो नालायक, निकम्मा, चोर और हत्यारा बन गया। आज से 2000 साल पहले गुलाम होते थे, आदमियों को, औरतों को खरीदा बेचा जाता था। उस समय एक गुलाम की कीमत चांदी के 30 सिक्के हुआ करते थे। उस समय चांदी के सिक्के बहुत चलते थे। एक गुलाम की कीमत चांदी के 30 सिक्कों में उस शख्स ने अपने गुरु को बेच दिया दुश्मनों के हाथ में, जिससे कि दुश्मन उनकी हत्या कर दे।
यह है पृष्ठभूमि। जो व्यक्ति मुझे और आपको जीवन देने के लिए स्वर्ग से मनुष्य रूप लेकर इस संसार में पधारे थे, उनसे जीवन पाने के बदले उनकी हत्या करने के लिए 12 शिष्यों में से एक ने कोशिश की, लेकिन जो 11 अन्य शिष्य थे वे महान व्यक्ति थे, और इन 11 महान व्यक्तियों ने बहुत 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 कुछ किया, जिसमें एक शिष्य थे जिनका नाम था यूहन्ना। आप कहेंगे कि यूहन्ना कैसा नाम है, हमने तो ये नाम तो समाज में कोई रखता नहीं है। कारण है, मध्य पूर्व की भाषा में ये नाम है। हम जब अपना नाम वहाँ जाके बताते हैं तो लोग कहते हैं ये कैसा नाम है, वैसे ही वहाँ का नाम अपन सुनते हैं तो अपने को लगता है कि ये कैसा नाम है। बस ये समझ लीजिए कि मध्य पूर्व में इस तरह के नाम प्रचलित थे। यूहन्ना प्रभु के जो 11 विश्वस्त शिष्य थे उनमें से एक ऐसा शिष्य था जो प्रभु से जिसका अटूट स्नेह था, और इस महान शिष्य ने पवित्र बाइबल में 4 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें से पहला पुस्तक यूहन्ना का शुभ संदेश कहलाता है। ये जो ग्रंथ है, ये जो महान ग्रंथ है जिसे ले जाने के लिए मैंने कहा, इसके अंदर 27 अलग अलग पुस्तकें हैं, जिसमें चौथी पुस्तक की रचना इस महान व्यक्ति यूहन्ना ने की है। उसी महान शिष्य ने ये जो पहला यूहन्ना है इसकी भी रचना की है। वो जो पुस्तक है, इसमें जो चौथी पुस्तक है, वो इतिहास है, लेकिन ये जो मैं आपके सामने रखे हुए हूँ जिसे पहला यूहन्ना कहा जाता है, ये एक पत्र है। उन्होंने प्रभु यीशु के अनुयायियों को 3 पत्र लिखे थे। पहला पत्र पहला यूहन्ना कहलाता है, दूसरा पत्र दूसरा यूहन्ना कहलाता है, तीसरा पत्र तीसरा यूहन्ना कहलाता है। हर पत्र को मेरे आपके लिए आसानी से पढ़ने की सुविधा के लिए अध्यायों में बांटा गया है, और इसलिए यहाँ पर नंबर 1 डाला गया है। और मैंने आपसे कहा पहला यूहन्ना पहला अध्याय खोल लें, और आप देखेंगे उसके अंदर और भी छोटे छोटे नंबर है, 1, 2, 3, 4। जिस तरह से कई बार कई ग्रंथों में श्लोक नंबर दिया जाता है, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा, इसी तरह से यहाँ पर नंबर दिए गए हैं मेरे आपके रीडिंग की सुविधा के लिए। और जब मैं बोलूँ कि पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद पढ़ेंगे तो मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ ये आपको मालूम हो जाता है, और आप जल्दी से जल्दी उसे निकाल कर पढ़ सकते हैं। यदि मैं बोलूँ तीसरा अध्याय चौथा पद तो आपको मालूम है कौन सा अध्याय निकलना है और उस अध्याय में कौन सा वाक्य पढ़ना है। ये तो हो गई पृष्ठभूमि। तो प्रभु के उस महान शिष्य ने इस पत्री के द्वारा, पत्री क्यों कहा जाता है, लंबा जो पत्र होता है ना उसको पत्री कहा जाता है, इस पत्री के द्वारा हमको याद दिलाया, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे और आपको नव जीवन, नया जीवन देने के लिए आसमान से प्रभु ने मनुष्य रूप धारण करके जब इस पृथ्वी पर अवतार लिया या जन्म लिया, तब मैंने, और भी बहुत सारे लोग हैं उन लोगों के साथ, मैंने भी प्रभु का वचन सुना था, अपनी आँखों से प्रभु को देखा था। 3.5 साल तक ये शिष्य प्रभु के साथ, प्रभु जहाँ भी जाते थे वहाँ जाते थे, 3.5 साल मैंने उस प्रभु को देखा, स्पर्श किया। स्वाभाविक है वे एक दूसरे से, गुरु शिष्य एक दूसरे से इतना स्नेह करते थे कि उन्होंने कई बार
गुरु जी के पैर छुए होंगे, उनके हाथ धुलाए होंगे। मध्यपुर में तो लोगों की आदत थी कि वहाँ सड़कें धूल से भरी होती थी, इसलिए यात्रा के बाद जब आते थे तो गुरुदेव जब बैठ जाते थे तो शिष्य लोग पानी डालकर पैर धोते थे, हाथ धुलाते थे, और खाना खिलाने के पहले भी हाथ धुलाने की परंपरा थी। तो इसलिए प्रभु के महान शिष्य ये बात याद दिलाते हैं कि हमने उनकी वाणी सुनी, हमने उनके दर्शन किए, हमने उनको स्पर्श किया। आज 2000 साल बाद प्रभु हमारे मध्य में नहीं है, प्रभु की वाणी अपन डायरेक्टली सुन नहीं सकते हैं, प्रभु को देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक काम जरूर कर सकते हैं, प्रभु को, प्रभु की वाणी को जिन लोगों ने सुना, प्रभु का दर्शन जिन लोगों ने पाया, प्रभु को जिन लोगों ने स्पर्श किया, उन लोगों के द्वारा प्रभु ने अपनी वाणी लिखवा कर इस तरह से अपने वचन में मेरे और आपके लिए दे दिया है। इसको हम पढ़ने के द्वारा प्रभु की वाणी सुन सकते हैं। और पिछले हफ्ते जैसे मैंने आपको बात याद दिलाई थी, आज फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। इस सभा में सबसे आगे बैठे हुए भाई जेफरी से लेकर सबसे पीछे जो बैठे हुए हैं उनका नाम है जॉर्ज गुटी, केरल का नाम है, वो वहाँ बैठकर वो साउंड सिस्टम पर नियंत्रण कर रहे थे। तो सबसे आगे बैठे जेफरी से लेकर सबसे पीछे बैठे जॉर्ज गुटी तक जो लोग यहाँ गाना गा रहे थे, जो भाई प्रार्थना के लिए आए, जो आएंगे, जो कीबोर्ड बजा रहे थे, इसके अलावा यहाँ पर कई बहनें, इन सब की आदत है, ये लोग नियमित रूप से प्रभु के वचन पर मनन करते हैं, पठन करते हैं, और इस तरह से प्रभु के वचन को नियमित रूप से पढ़कर उस पर मनन करने के द्वारा वे लोग नियमित रूप से प्रभु की वाणी सुनते हैं। प्रभु की वाणी प्रभु के वचन के द्वारा सुनते हैं, और जब प्रभु की वाणी सुनते हैं तब इस वाणी के द्वारा प्रभु मेरे आपके जीवन की हर बात के बारे में हमको दिशा देते हैं, दिशा दिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को लंबी यात्रा पे जाने की आदत है, मुझे तो बचपन से ही लंबी लंबी यात्राएं बहुत पसंद है। 3 साल की उम्र में, मतलब आज से 67 साल पहले मैंने अपनी पहली यात्रा की, जी हाँ 67, मेरी उम्र 70 हो चुकी है, 67 साल पहले जब हम रेलगाड़ी में चढ़े, उस समय डीजल के इंजन तो नहीं होते थे, कोयले के इंजन होते थे, मैं बड़ी जिज्ञासा के साथ खिड़की पर बैठकर यात्रा करता था। स्टेशन पर पहुंचते ही स्टेशन का नाम आ जाता था, हाँ तो पता चल जाता था फलाने स्टेशन पर पहुंच गए हैं, फलाने स्टेशन पर पहुंच गए हैं। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मोटरसाइकिल पर अपने साथियों के साथ लंबी यात्रा पर जाने लगा। 100-150 किलोमीटर दूर हम लोग मित्र लोग जाते आते थे, तो जाते आते में सड़क पर मील के पत्थर लगे रहते थे जिन पर लिखा रहता था झांसी 125 किलोमीटर। एक 10 किलोमीटर दूर जाते थे तो वहाँ लिखा था सिथौली गांव, पता चल जाता था कि हाँ अब हम ग्वालियर से झांसी के रास्ते पर सिथौली नाम के गांव पर पहुँच गए हैं। और 15 किलोमीटर जाने पर टेकनपुर,
क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि जब आप अपने घर से 100, 125, 150 किलोमीटर दूर जाते हैं तो ऐसा प्रदेश है जहां पर आप रोज यात्रा नहीं करते हैं। जहां रोज यात्रा करते हैं वहां कोई बोर्ड ना हो तो भी आपको मालूम है कि भैया ये फलानी जगह है, ये फलानी गली है और ये फलाना बाजार है। लेकिन जब हम एक 100-150 किलोमीटर लंबी यात्रा पर जाते हैं तब हमको ये जानना जरूरी है कि कहाँ पहुँच गए, जहाँ हमें जाना है उसके लिए सही रास्ते पर जा रहे हैं क्या, उस रास्ते पर कहाँ पहुँच गए, आगे कहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद अपना जो लक्ष्य है वहाँ कब पहुँचेंगे। 150 किलोमीटर दूर की यात्रा में यदि हमको इस तरह से कहाँ पहुँच गए हैं ये बताने के लिए बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है या मील के पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, और यदि मील के पत्थर के द्वारा हमको दिशा मिल जाती है तो ज़रा याद रखें, मेरे और आपके जीवन का जो सफ़र है यह तो बहुत लंबा सफ़र है। मैंने तो 70 साल की यात्रा कर ली है और मुझे लगता है कि बस इस मंडली में एक ही भाई हैं जो मेरी उम्र के आसपास के हैं और कोई नहीं है। 70 साल का सफ़र बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा सफ़र होता है। इस सफ़र में हम सही दिशा में जा रहे हैं क्या, ये जानना ज़रूरी होता है। शुरू शुरू में तो हमारे माँ बाप हमको दिशा देते हैं। यहाँ ऐसा कोई है क्या जिसने जाके अपने आप का एडमिशन स्कूल में करवा लिया था पहली में? है क्या कोई? कोई भी पहली में जाके अपना एडमिशन अपने आप नहीं करवाता। उस समय हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ भर्ती करवाना है। लेकिन जब हम 16, 17 या 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद तब तक हमारी यह स्थिति हो जाती है कि हम अपने जीवन की दिशा फिक्स कर सकते हैं। BSc में मैंने अपने आप जाके एडमिशन लिया था, पापा को कुछ नहीं करना पड़ा। MSc में भी मैंने अपने आप एडमिशन लिया था, पापा को कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन BSc और MSc में मैंने एडमिशन क्यों लिया, इसलिए कि 18 साल की उम्र तक पापा ने दिशा बताई, पापा ने दिशा डिसाइड किया, ना केवल डिसाइड किया उन्होंने दिशा बताई। उस कारण 18 होते होते जिंदगी में किस दिशा में जाना है इसका अनुमान हो गया। और मैं तो हायर सेकेंडरी पास करते करते, मैं पढ़ाई में अच्छा विद्यार्थी था मैं ये याद दिला दूं, इसके बावजूद जो है मैं पढ़ाई को लात मार के नौकरी पे जाना चाहता था। अच्छे जो विद्यार्थी होते उनके लिए पढ़ाई बहुत मेहनत का काम होता है। पापा ने कहा कि बिल्कुल नहीं, BSc पहले BSc करोगे। BSc ख़त्म होते होते मैंने कहा कि अब तो पढ़ाई को लात मार के अपन नौकरी करेंगे। पापा ने कहा कुछ नहीं, MSc के पहले जो है मैं कोई नौकरी करने नहीं दूंगा। तो शुरू शुरू में उन्होंने मुझे एडमिट किया, बाद में उन्होंने मुझे दिशा बताई। MSc करने के बाद पापा ने मुझे कभी दिशा नहीं बताई, क्योंकि तब तक मैं पुरुष हो चुका था, मुझे मालूम था कि ज़िंदगी में किस दिशा में जाना है और उस दिशा में अपने आप जांच पड़ताल करके मैं खुद आगे बढ़ा। लेकिन एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आँख मीच के नहीं चला। मैंने जांचा फलानी दिशा में जाओगे तो क्या होगा, फलानी दिशा में जाओगे तो क्या होगा।
तो इसके ये जो मैंने पृष्ठभूमि बताई, इसके आधार पर आज मैं सभी भाई और बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ, मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, हमारे जीवन की दिशा क्या है, यह हम में से हर व्यक्ति को सोच लेना चाहिए। इवन दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं कि जीवन एक दिशा में जा रहा है। मैंने लास्ट हफ्ते वो कविता याद दिलाई थी, याद है क्या? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो संसार में आया है, चाहे बादशाह हो, रंग जो नंगा भूखा है वो हो, या फकीर जिसने सब कुछ त्याग दिया है, सबको जाना पड़ेगा। दिशा है ये, प्रभु का वचन उसे थोड़ा सा और स्पष्टता से बताता है। प्रभु के वचन से मैंने कई बार आपको पढ़ के एक पद सुनाया है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना जरूरी है। तो दुनिया जिस बात को जानती है, जो कविता के रूप में हमसे कहती है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, प्रभु का वचन उसे थोड़ा और स्पष्ट करके बताता है, जो आया है वो जाएगा, कहाँ जाएगा? न्याय, प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़े होने के लिए जाएगा। वहाँ पर हमारा न्याय होगा, और जब वो न्याय होगा तब हमसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये है, प्रभु के वचन से, मेरे प्रिय बेटे, मेरी प्रिय बेटी, प्रभु के वचन से तुमने उस जीवन के वचन के विषय में सुना था या नहीं था? जितने लोग यहाँ आए हैं उन सबको तो मानना पड़ेगा कि प्रभु जी, शास्त्री अंकल जब प्रभु का वचन सुनाते थे तब हमने सुना था। और प्रभु का प्रश्न होगा, जीवन के वचन में सुना था? सुना था। तो मेरे प्रिय बेटा, बेटे, बेटी, उसको सुनने के बाद तुमने क्या निर्णय लिया? हम में से हर व्यक्ति को एक निर्णय लेना होगा, और वो ये निर्णय यह है कि जब शाश्वत काल में प्रवेश करेंगे तो वो शाश्वत जीवन में प्रवेश करेंगे या शाश्वत मृत्यु में प्रवेश करेंगे। मनुष्य के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। प्रभु यीशु ने बहुत साफ ये बात कही थी कि मनुष्य के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक मृत्यु का रास्ता है, एक जीवन का रास्ता है। मृत्यु के रास्ते जाने के लिए मनुष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आया है सो जाएगा, मृत्यु में जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है, परमेश्वर ने, मतलब प्रभु ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि संसार के हर व्यक्ति को जीवन देने के लिए बलिदान के रूप में प्रभु यीशु को संसार में भेजा। जो भी उस प्रभु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पा लेता है वो शाश्वत जीवन पाएगा। और इसलिए जब प्रभु के सामने हम खड़े होंगे तो प्रभु का प्रश्न होगा कि बेटा, तुमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया? तो जब हम कहेंगे कि प्रभु हमने ग्रहण किया, तो प्रभु कहेंगे मुझे मालूम है तुमने ग्रहण किया, और इसलिए मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, शाश्वत जीवन के अधिकारी हो जाओ। आज संध्या समय मैं यहाँ पर जितने भाई और बहन आए हैं हर एक से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, प्रिय भाई, जीवन का जो वचन है जिसके बारे में उनके महान शिष्य यूहन्ना ने लिखकर मुझे और आपको दिया है, जो मेरी और आपकी मातृभाषा में उपलब्ध है,
उसकी प्रिंटेड कॉपी हम आपको दे रहे हैं, दे चुके हैं, उसमें से आपने पढ़ा है, मौखिक रूप से मैंने आपको बताया है, आपने सुना है। सुनने के बाद आपने क्या किया? क्या प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया? क्या आपको इस बात की गारंटी है, क्या निश्चय है क्या कि आया है सो जाएगा, शाश्वत जीवन में जाएगा, या आया है सो जाएगा शाश्वत मृत्यु, शाश्वत विनाश में जाएगा? इसमें से आपकी स्थिति कौन सी है? मैं बार बार यहाँ आपको बता चुका हूँ, मैं लगभग 6 साल का था तब मेरे पापा ने ये बात मुझे बताई। मैंने वहीं पर घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, आज पापा ने प्रभु के वचन से मुझे पढ़कर जो सुनाया उसके आधार पर मैं समझ गया हूँ कि मैं पापी हूँ और मुझे उद्धार की ज़रूरत है, मुक्ति की ज़रूरत है, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। तब से मैं जीवन में एक विशेष खुशी और एक आशा के साथ जी रहा हूँ। कैसी आशा, कैसी खुशी? खुशी इस बात की कि मुझे शाश्वत जीवन मिल चुका है। कैसी आशा कि जब मैं चला जाऊँगा और जब मेरा न्याय होगा तब मुझे सदा सर्वदा के लिए शाश्वत जीवन में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। आज यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इस सभा में किसी न किसी ने आपसे संपर्क किया होगा, भाई जेफरी ने किया होगा, भाई संतोष ने किया होगा, भाई बर्नबास ने, किसी न किसी ने किया होगा। उसके अलावा आपको ड्राइव करके कई लोग लाए, ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इनके जीवन में ये जो शाश्वत जीवन का अनुभव हुआ है, वे लोग चाहते हैं कि आपको भी यही अनुभव हो। मैं क्यों आज शाम को आपके समक्ष उपस्थित होकर ये प्रवचन दे रहा हूं? इसलिए कि मेरी हार्दिक इच्छा है प्रिय भाइयों बहनों कि मेरे जीवन में जो खुशी है और जो आशा है, वही खुशी और आशा आपके जीवन में आए। तो जब हम उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, प्रभु यीशु, उस प्रभु के बारे में आज जब हम सुनते हैं तो हमारा पहला काम यह होना चाहिए कि प्रभु के पास जाएं, घुटने टेकें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कीजिए। यदि आप इस विषय के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, इस सभा के बाद मुझसे बात कीजिए, भाई जेफरी से बात की, और भी कई लोग हैं, वो उधर सबसे पीछे मेरी छोटी बहन बैठी है, वो मध्य प्रदेश में इंदौर की पढ़ी हुई है, हिंदी में बहुत आसानी से आपको सारी बातें समझा देगी। तो यहाँ पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, जो आपको हर चीज आराम से हिंदी में समझा देंगे। लेकिन हाँ, मेरे एक अनुरोध है, जब प्रभु ने हिंदी बोलने वाले जो इसको आप अच्छी तरह से आपको समझा सकते हैं, ऐसे पुरुष भी रखे हैं, स्त्री भी रखे हैं, तो इसको जाने बिना कहीं यहाँ से ना जाएं। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करें, जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। हाँ, लेकिन क्लोजिंग से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आज जितने भाई और बहन यहाँ उपस्थित हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने इस जीवन का अनुभव किया है, उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस नए जीवन का अनुभव करने के बाद प्रतिदिन बिना किसी तरह के ब्रेक के उस जीवन के विषय के बारे में पढ़ने और प्रभु की वाणी को सुनने की कोशिश आपने की है क्या? कोविड का जो सीजन आया था उसमें हम में से बहुत सारे लोग काफ़ी लापरवाह हो गए थे, मैंने खुद देखा है। मैं जब
ये जूम पे क्लास लेता था तो लोगों से पूछता था आपकी बाइबल कहाँ है, तब अचानक लोगों को याद आता था, अरे 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 बाइबल तो लिए नहीं है, लाए नहीं है, उसके बिना ही कैमरा के सामने बैठ गए, टीवी के सामने या मोबाइल के सामने बैठ गए देखने के लिए, फिर दौड़ भाग के बाइबल उठा के लाते हैं। जीवन में कई बार हम लोग अपने आत्मिक जीवन में लापरवाह हो जाते हैं, तो इस कारण यहाँ कईयों के चेहरों पे मुस्कराहट आ गई है, चोरी छुपे चोरी की मुस्कराहट, जिसका मतलब है कि कहीं तो लापरवाही हुई है या हुई थी। मनुष्य को जब सब अच्छा मिल जाता है तब लापरवाही करने लगता है, ऐसा ना करें। तो प्रिय भाई और बहनों, आप में से जिन लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में देखा है, ये लोग प्रभु के वचन में जो समय देना है वो समय देना ना भूलें, उस पर मनन करना है, जिससे कि आप प्रभु की वाणी प्रतिदिन सुन सकें, जहाँ तक हो सके सुबह सुबह मनन करें, तो दिन भर के लिए मार्ग निर्देश दिशा मिल जाती है। तो इसलिए जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनमें से जिन्होंने ऑलरेडी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में जाना है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ उस जीवन के विषय में जो आदि से था, उस जीवन के विषय के बारे में सुनने के लिए प्रभु ने 1500 पन्नों का ये महान ग्रंथ मेरी और आपकी भाषा में जो दिया है, वो अलमारी में सजा के रखने के लिए नहीं है, इसे खोलकर प्रतिदिन पढ़ने, मनन करने, ध्यान करने के लिए दिया है। इस मामले में काफ़ी लापरवाही हुई है कोविड के समय में, और अब प्रभु ने हमको नया जीवन दिया है, इसलिए उस लापरवाही को छोड़कर पवित्र बाइबल का नियमित अध्ययन पठन शुरू कर दें। यहाँ एक चीज़ आज मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, जो आने वाले हर संडे याद दिलाऊंगा, प्रभु के हर बच्चे के हाथ में, प्रभु के हर भक्त के हाथ में पवित्र बाइबल के साथ एक डायरी और एक पेन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि प्रभु का वचन जब आप पढ़ते हैं तब उसमें से आपको जो प्रकाश मिलता है, जो दिशा मिलती है, जो नया वचन मिलता है, उसको नोट करें। आज मैं सुबह भी देख रहा था, शाम को भी देख रहा हूँ कि जितने लोग बैठे हैं उसमें कविता डायरी लेके बैठती है, सुबह भी मैंने ये बात नोट की थी, बहुत अच्छी बात है कविता, प्रभु तुमको अनुग्रह देंगे, इस आदत को जीवन में कभी मत भूलना। आप लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा थैला लेके चलता हूँ, बिना थैले के आप मुझे कहीं नहीं देखेंगे, चाहे शादी हो या मृत्यु का समय हो, मैं थैला लेके जाता हूँ। क्यों? जब मैं 9th में था तब मुझे मेरे संडे स्कूल टीचर ने ये बात बताई कि बेटा जी, आइंदा बाइबल डायरी और पेन साथ में रखना, और तुमको जो प्रकाश मिलता है उसको नोट कर लेना। तब से मैं हमेशा बाइबल डायरी पेन साथ में रखता हूँ, थैला इसलिए साथ में चलता है, और जब पेन से लिखने लगा तब लगा कि कई बार मौके पे पेन बंद हो जाता है, तो इसलिए तीन तीन चार चार पेन साथ में रखने लगा। फिर देखा कि थैला देख के अगल बगल बैठे लोग पूछते हैं कि एक एक्स्ट्रा पेन है क्या, तो 8-10 पेन रखने लगा। ये है मेरे थैले का रहस्य। मैं ये नहीं कह रहा कि आप थैलियाँ लेके चलें, ये आपकी इच्छा है, लेकिन हाँ, जिसने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है उसके जीवन में एक बाइबल, एक डायरी, एक पेन हमेशा आप जहाँ भी चलें जाएं इनको रखना जरूरी है, जिससे कि आपको जो प्रकाश मिलता है उस प्रकाश को आप नोट कर सकें, जिससे कि कल को जब आप दोबारा उस पोर्शन को पढ़ेंगे तब उसके द्वारा आपको और अधिक प्रकाश मिल सके। और अधिक प्रकाश ये कैसे? इसको प्रभु ने मदद की तो हम अगले हफ्ते देखेंगे। हम प्रभु ने मदद की तो इसी पुस्तक का अध्ययन जारी रखेंगे। आप में से जिन जिन के पास ये नया नियम है, अपनी अपनी भाषा में अगले हफ्ते लेकर आएं
जिससे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो देख सकें, आपके मन में उतर सके और जहाँ तक हो सके एक डायरी और एक पेन भी साथ में ले आए। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।